अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक दैट इज एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से जो है क्या क्या पॉइंट्स जो है एसिटिक एसिड के टॉपिक में आपसे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले जो है हम एसिटिक एसिड को देखेंगे कि एसिटिक एसिड क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग, ये इसके इंट्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है हम आएंगे मैथड्स ऑफ प्रेपरेशन की तरफ आएंगे। मैथड्स ऑफ प्रेपरेशन में हम इसके दोनों मैथड्स जो हैं यानी कि इसको लेबॉर्ट्री मेथड के थ्रू भी प्रिपेयर किया जाता है और इंडस्ट्रियल स्केल पे भी इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो हम इसके जो दोनों मेथड्स हैं, लेबॉर्टरी मेथड भी एज वेल एज इंडस्ट्रियल मेथड, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है सेकंड नंबर पे मैं फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों से डिस्कस करूंगी और लास्ट में जो है ये थर्ड पॉइंट पे मैं यूजेस जो है एसिटिक एसिड की वो आप लोगों से डिस्कस करूंगी। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स मैं जो है आपसे रिएक्शंस आज के लेक्चर में नहीं डिस्कस कर रही क्योंकि इसको मैंने जो है टॉपिक पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की के जो रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड उसमें ही मैंने आप लोगों से रिएक्शंस डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे एसिटिक एसिड के रिएक्शंस की जो है जब बात होती है तो आप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, तो इसी वजह से हम जो है रिएक्शंस जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मैंने आपको करवाए हैं आप उन्हीं रिएक्शंस को जो है एसिटिक एसिड के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, आप वही रिएक्शन जो हैं आप एसिटिक एसिड के अंदर भी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं ये जो लेक्चर है इसके अंदर जो है रिएक्शंस को डिस्कस नहीं कर रही बल्कि इसके अलावा जो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस जो हैं एसिटिक एसिड की सिर्फ वो डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ कि एसिटिक एसिड क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन की तरफ आती हूँ। तो इंट्रोडक्शन में जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है। इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे, तो स्टूडेंट्स आपको बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनके अंदर उसका जो जनरल फार्मूला क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, ये इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप इनका जो जनरल फार्मूला है वो होता है। ठीक है, तो जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो होता है सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच। ठीक है, तो अब क्या है ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्यों है, क्योंकि इनके अंदर भी जो है वो जनरल फॉर्मूला जो है वो सेम है। ठीक है, सो इसी वजह से मतलब उसके अंदर भी सी ओ एच ग्रुप मौजूद होता है तो हम कहते हैं कि ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लास में आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम इस आर ग्रुप को यहां से चेंज करके, आर ग्रुप यहां पर तो जनरल है ना, ठीक है, इसको मैं अगर स्पेसिफाई करूं कि कौन सा अल्काइल ग्रुप है, तो यहां पर अगर स्टूडेंट्स आपके पास मिथाइल ग्रुप आ जाए, मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देती हूँ सी एच थ्री। ठीक है, अगर मिथाइल ग्रुप आ जाए और बाकी पार्ट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा हो साथ में इस तरह से सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, ये तो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ना कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और अगर पीछे अल्काइल चेन में अल्काइल जो ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस किया कि इंपॉर्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्यों कहा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप फंक्शनल कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, इसी वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद जो है कौन सा है, इसको मैंने स्पेसिफाई किया कि एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच, ये इसका जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट के इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन इज नोन एज विनेगर। ठीक है, इसके जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, जब हम इस जो है एसिटिक एसिड जब जो है स्टूडेंट्स हम इसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसके अंदर जैसे हम सॉल्ट ले लेते हैं, लेट सपोज हमने सॉल्ट पानी के अंदर डाला हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा सारा सॉल्ट है पानी के अंदर डाला हुआ है, लेकिन अगर उसी के सॉल्यूशन के अंदर हम मजीद पानी डालते जाएँ तो फिर क्या होगा कि वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड से क्या होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट होता जाएगा। ठीक है, उसमें जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, मिकदार कम होती जाएगी, क्योंकि अब आप उसके अंदर जो है सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा डाल रहे हैं। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए और जो है वो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाए तो हम उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो रहा है। तो जब इसी तरह जब आप एसिटिक एसिड के अंदर का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे उसे हम क्या कहेंगे, विनेगर कहते हैं। विनेगर किसको कहते हैं, सिरके को कहते हैं। तो अक्सर हम कहते हैं कि एसिटिक एसिड क्या है, ये विनेगर है। हम इस एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। जो घरों में आप आमतौर पर जो सिरका लोग यूज करते हैं तो उसी को विनेगर कहा जाता है एसिटिक एसिड को। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो एसिटिक एसिड का। ठीक है, उसको घरों में इस्तेमाल किया जाता है, लोग अक्सर इसको जो है वो खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है एसिटिक एसिड का हमने इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों से स्टूडेंट्स डिस्कस किया है। अब मैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ आती हूँ, लेबॉरेटरी मेथड ऑफ प्रेपरेशन।
तो स्टूडेंट्स, ये मेथड ऑफ प्रेपरेशन दो तरह के हैं। मैंने जैसे कि आपके आपसे स्टार्ट में डिस्कस किया कि एक लेबॉरेटरी मेथड के थ्रू भी हम इसको प्रिपेयर करते हैं, और सेकंड जो है हम इसको इंडस्ट्रियल स्केल पे यानी कि इंडस्ट्रियल मेथड के थ्रू जो है इसको प्रिपेयर किया जाता है इंडस्ट्रीज में। अच्छा, लेबॉरेटरी मेथड ऑफ प्रेपरेशन ये दो हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल और एसिटल्डिहाइड। तो सबसे पहले रिएक्शन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट जो है ये रिएक्शन है, इसमें क्या होता है कि जब भी आपका अल्कोहल जो है, अब आपकी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है यहाँ पर क्या है, K2Cr2O7 और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये एक बात याद रखनी है कि ये जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट भी हम इसे बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि एसिड की साथ में एसिड भी है ना, H2SO4 और साथ में K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, और अल्कोहल जो है उसकी ऑक्सीडेशन होके ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में, एसिटल्डिहाइड में, ठीक है। लेट सपोज कि कोई भी, मैं जनरल बात करती हूँ, मैं सिंपल अभी जनरल बात कर रही हूँ कि एक इक्वेशन आप सिंपल अपनी आसानी के लिए लिख लें कि अल्कोहल की जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, अल्कोहल की जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, ठीक हो गया। एल्डिहाइड की फर्दर जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं। तो ये अगर आपको इक्वेशन, जनरल इक्वेशन अगर आप याद रखेंगे तो आपको कभी भी जो है इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी इस टॉपिक में। और ख़ास तौर पे जो है जब आप कन्वर्जन्स करते हैं स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे जो आपके, आपको पता है कि जो सेकंड ईयर की बुक है इसके अंदर बहुत सारी जो है कन्वर्जन्स आपको दी जाती हैं कि अल्कोहल को एक कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करें, या अल्कोहल को एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करें, या कीटोन्स में कन्वर्ट करें। तो इस तरह से बहुत सारी कन्वर्जन्स आपको दी जाती हैं, तो उनको कन्वर्ट करना फिर जो है वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा अगर आप इनके जनरल इनके कन्वर्जन्स को याद रख लें। कि मैंने क्या बताया आपको कि अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ऑब्टेन होता है, ठीक है। अब इसमें एक और बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है, तो स्टूडेंट्स बात यह है कि अगर आपके पास अल्कोहल, अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास अल्कोहल प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका अल्कोहल जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल हो, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने कि अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो और उसकी ऑक्सीडेशन से आपको एल्डिहाइड के बजाय क्या मिलेगा, कीटोन्स मिलेंगे, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और फिर उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से आप क्या मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ही ऑब्टेन होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑब्टेन होंगे, ठीक है। तो ये भी बात याद रखनी है कि अगर आपके पास अल्कोहल जो है, पहली बात कि अल्कोहल जो है उसकी ऑक्सीडेशन से आपको एल्डिहाइड्स मिलते हैं, और उसकी ऑक्सीडेशन से, फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपका अल्कोहल प्राइमरी है तो फिर एल्डिहाइड्स मिलेंगे, ठीक है, और उसकी ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर आपका अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है और उसकी ऑक्सीडेशन से फिर आपको पहले कीटोन्स मिलेंगे, और उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलेंगे। तो ये एक जनरल स्कीम है, अगर आप ये याद रखें तो आपको कोई भी जो है वो डिफिकल्टी नहीं होगी इस टॉपिक में खास तौर पर। तो अब क्या है कि ये देखिए, आपका जो अल्कोहल है ये एथानॉल, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और वो जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है वो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो जब अटैच्ड होगा तो वो प्राइमरी अल्कोहल होता है। ये भी टॉपिक जो है वो आपको टॉपिक याद होना चाहिए, या ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि प्राइमरी अल्कोहल की क्या पहचान है। प्राइमरी अल्कोहल की पहचान ये होती है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है वो जिस कार्बन, यानी कि फंक्शनल ग्रुप OH है ना, अल्कोहल की बात हो रही है, तो फंक्शनल ग्रुप OH अल्कोहल जो है वो जिस कार्बन के साथ अटैच होता है, अगर वो फर्स्ट एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो तो हम उसको प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अगर फर्दर दो कार्बन के साथ अटैच हो तो वो सेकेंडरी होगा, और अगर तीन के साथ अटैच हो तो वो टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, और सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, और टर्शियरी अल्कोहल क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद अब स्टूडेंट्स क्या हुई, इसकी ऑक्सीडेशन हुई, और पोटाशियम एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है, इसकी मौजूदगी में रिएक्शन होगा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपने इसमें याद रखना है। अब एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब देखें यहाँ पर से क्या हुआ कि ये आपका जो ग्रुप है CH3CH2OH फंक्शनल ग्रुप जो है अल्कोहल, ये किसमें कन्वर्ट हुआ, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड क्या है, CHO ग्रुप जो होता है इसको हम एल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है, CHO ग्रुप या सी डबल बॉन्ड OH इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो उसकी ऑक्सीडेशन करें तो अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ पर जो आपका जो ग्रुप है एसिड ग्रुप में, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट
कर देती हूँ कि आपका सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच ग्रुप, ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप था ये किसमें इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन क्या होती है, यहाँ पर इसके अंदर जो है कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस यहाँ पर क्या होगा कि एक ऑक्सीजन आ जाएगा अपॉन ऑक्सीडेशन, ठीक है। जब इसके ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये आपका जो है एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपने देखें एथेनॉल से जो है वो एसिटिक एसिड प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। अब एथेनॉल में क्या है, दो कार्बन मौजूद हैं, इसी तरह आपके एसिटिक एसिड में देखें दो कार्बन मौजूद हैं, तो इसी वजह से ये एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें जो है एथेनॉल की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसी तरह अगर हम ये मैंने फर्स्ट मेथड जो है वो आपसे डिस्कस किया, मैं सेकंड मेथड की तरफ आती हूँ कि इसको आप सेकंड मेथड जो है लेबॉरेटरी मेथड उसके थ्रू कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो वो क्या है, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल नाइट्राइल, मिथाइल नाइट्राइल की जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसके थ्रू भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मिथाइल नाइट्राइल क्या है, तो स्टूडेंट्स मिथाइल नाइट्राइल जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल नाइट्राइल, मिथाइल ये होता है CH3 ग्रुप और नाइट्राइल कहते हैं CN ग्रुप को, ठीक है। इसको नाइट्राइल ग्रुप भी कहते हैं, साइनाइड भी कहते हैं, तो मिथाइल साइनाइड या मिथाइल नाइट्राइल या इसको एसिटो नाइट्राइल भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट HCl, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस आप कर रहे हैं, ठीक है। H3O पॉजिटिव ये जो है एसिड हाइड्रोलिसिस, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं H पॉजिटिव एंड H2O, ठीक है। इसको हाइड्रोलिसिस मतलब जो वाटर की मौजूदगी में हो रहा है, तो H पॉजिटिव मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस। तो अब जब आप ये करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो आपका CN ग्रुप है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एसिटामाइड ग्रुप में, अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, सी डबल बॉन्ड ओ एंड NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, क्योंकि कार्बन इसके अंदर एक ही है, इसमें भी कार्बन एक ही है, लेकिन ये जो जब इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस होती है तो यहाँ से ये एक ऑक्सीजन लेता है और एक N तो ऑलरेडी इसके पास मौजूद है और दो हाइड्रोजन ले लेता है, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन जो है ये जब ले लेता है तो आपके पास ये ग्रुप बन जाता है सी डबल बॉन्ड ओ एंड NH2, ठीक है। यहाँ से क्या लिया, एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, तो अब मतलब एक कहने का मतलब है एक वाटर मॉलिक्यूल पूरा इस्तेमाल हो गया, CONH2 इस तरह से यूज़ हो गए, और बाकी H पॉजिटिव भी इनके एसिड कंडीशन डाइल्यूट HCl की मौजूदगी में हो रहा है, तो इस तरह से ये एसिड कंडीशन इसको प्रोवाइड की जा रही है। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, एसिटोनाइट्राइल, पहले एसिटामाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा। जब एसिटामाइड की फर्दर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो आपका ये NH2 ग्रुप है ये किस में, यहाँ से इसके हाइड्रोलिसिस होकर यहाँ से क्या ले लेता है, OH ग्रुप ले लेता है, OH लेता है, तो यहां से जो है ये NH2 ग्रुप जो है वो लीव कर जाता है, ठीक है। तो फिर आपको क्या मिल जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आपको जो है एसिटिक एसिड जो है इस तरह से आपको ऑब्टेन हो जाता है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि सबसे पहले एसिटोनाइट्राइल था, इसकी हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस की, एसिड हाइड्रोलिसिस, तो आपको एसिटामाइड मिला, एसिटामाइड की फर्दर जो है हाइड्रोलिसिस होने से आपको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ऑब्टेन हो गया। तो ये हम लोगों ने लेबॉरेटरी मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन डिस्कस किया, मैं आपसे जो है मैन्युफैक्चर इसकी जो है एसिटिक एसिड की इंडस्ट्रियल स्केल पे यानी कि इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रेपरेशन डिस्कस करने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स इसको डिस्कस करने से पहले भी मैं आपको बता दूँ कि इसमें भी दो मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं फर्स्ट मेथड को आपसे डिस्कस करूंगी कि फ्रॉम एसिटाइलीन इसको प्रिपेयर किया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल पे, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पर क्या है कि इंडस्ट्रियल स्केल पे एसिटाइलीन यानी कि इथाइन, एसिटाइलीन को हम इथाइन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। तो इससे आप इसको प्रिपेयर करते हैं इथाइन से, ठीक है। तो इथाइन क्या है आपका जो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन की जब आप क्या करते हैं, जब इसको ट्रीट करते हैं हम वाटर के साथ, ठीक है, दैट इज ट्रीटेड विद वाटर, और इसके लिए 20% जो है आपको मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 को हम मर्क्यूरिक सल्फेट कहते हैं, और 1% जो है आपको वन परसेंट आपको मर्क्यूरिक सल्फेट चाहिए होता है, ठीक है, ये 1% आपको रिक्वायर्ड होता है, जबकि 20% जो है वो आपको सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो इसकी मौजूदगी में जो है हम इसको कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले इसको विनाइल अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि विनाइल अल्कोहल से फिर जो है वो फर्दर इसकी रीअरेंजमेंट होती है और ये फिर एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होने से ये आपको जो है एसिटिक एसिड ऑब्टेन होगा। तो अब स्टूडेंट्स इसके भी स्टेप्स में आपको क्लियर करती हूं कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस हो रहा है। तो देखें कि हम लोगों ने बनाना क्या था, एसिटिक एसिड बनाना था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एसिटिक एसिड में क्या है, दो कार्बन मौजूद होते हैं CH3
COOH, ठीक है, ये इसका जनरल इसका सॉरी फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पर दो कार्बन हैं, तो अब इसी वजह से हम इथाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इथाइन या एसिटाइलिन से। तो इसमें भी दो कार्बन हैं, अब क्या है ट्रिपल बॉन्ड और साथ में इसकी जो है ये वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है। तो अब क्या होता है कि सबसे पहले एक हाइड्रोजन जो है वो कार्बन हाइड्रोजन यानी कि इसके पास चला जाता है, इस कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड के पास, ठीक है, और ये वाला OH ग्रुप जो है इसके पास चला जाता है, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पर क्या हुआ कि CH के बजाय अब यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन जाने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गया, CH2 में, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, जाहिर बात है कि जब ये बॉन्ड बन रहे तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये बॉन्ड जो है वो क्या क्या हुआ कि CH ने क्या किया, OH ग्रुप ले लिया। तो आप देखें, होप सो कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको कि CH2 डबल बॉन्ड फिर CH और फिर इसके साथ OH ग्रुप ये लग गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको क्लियर हो गया कि विनाइल अल्कोहल कैसे बना, तो विनाइल कहते हैं स्टूडेंट्स CH2 डबल बॉन्ड CH को, ठीक है, और साथ में सिंगल बॉन्ड, तो अब ये विनाइल अल्कोहल है, तो इसी वजह से हम इसको कहेंगे OH, साथ में फंक्शनल ग्रुप OH लगा देंगे, ठीक है। तो ये विनाइल अल्कोहल जो है इसकी फॉर्मेशन हो गई, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, विनाइल कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड विनाइल, और आगे अगर अल्कोहल है तो OH लगाएंगे, अगर विनाइल एल्डिहाइड है तो हम X लगा देंगे, कोई भी मतलब सॉरी हेलाइड है तो विनाइल हेलाइड हो जाएगा, तो इस तरह से चेंज कर लेंगे। अब फिलहाल हम यहाँ पर फिनाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, इस विनाइल अल्कोहल में रीअरेंजमेंट होती है, तो अब क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड जो है अल्कोहल O2H बॉन्ड, इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि आपको जो है प्रॉपर बॉन्ड की शिफ्टिंग दिखाई जा सके। तो अब O2H बॉन्ड जो होता है ना वो क्या करता है कि यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और जो आपका ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड में यानी कि यहाँ पर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो अब रीअरेंजमेंट होने के बाद देखें, अब जब ये बॉन्ड यहां पर से यहां पर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो खत्म हो गया, ठीक है, जबकि कार्बन टू ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बजाय यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की बजाय सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देखें कि ये जब इसके साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होगी तो ये CH2 की बजाय किसमें कन्वर्ट हो रहा है, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर सिंगल बॉन्ड और फिर C डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो जाएगा, और उसके साथ ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ कार्बन के साथ ये एज इट इज रहेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि आपको मिलेगा क्या, एसिटाल्डिहाइड। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसके बाद जो सेम स्टेप है वही आपने जो पहले भी किया कि एल्डिहाइड बन किया, एल्डिहाइड की फिर फर्दर हम ऑक्सीडेशन करेंगे और हमें जो है वो एसिडिक एसिड मिलेगा। तो अब वो ऑक्सीडेशन आप देखें कैसे करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि ये आपका एल्डिहाइड बन गया एसिटाल्डिहाइड, और इसकी अब हमने क्या की है, ऑक्सीडेशन करनी है, और ऑक्सीडेशन करने के किसकी मौजूदगी में कर रहे हैं, V2O5 की मौजूदगी में, ठीक है, वेनेडियम पेंटोक्साइड। तो फिर ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाता है, तो C डबल बॉन्ड O एंड OH ग्रुप में ये कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा, तो इसी तरह से ये क्या कहलाएगा, एसिडिक एसिड। तो ये स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट इसका मेथड ऑफ प्रेपरेशन डिस्कस किया, अब मैं इसके सेकंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन की तरफ आती हूँ। तो स्टूडेंट्स सेकंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन जो है वो इसका फ्रॉम इथाइल अल्कोहल, ये भी सेम है बिल्कुल एज इट इज़, जो कि अभी मैंने आपसे लेबॉरेटरी मेथड ऑफ प्रेपरेशन डिस्कस किया, तो उसमें भी आप लोगों ने यही देखा था कि जो आपका एथेनॉल है उसकी ऑक्सीडेशन करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, और आपको सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड मिलता था, और एसिटाल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 एंड H2SO4 एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, तो इसकी मौजूदगी में आपको जो है एसिटिक एसिड मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इससे ये आपको पता चला कि आपको लेबॉरेटरी मेथड में भी आप जो है इसको एथेनॉल से प्रिपेयर कर सकते हैं, और इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रेपरेशन में भी आप जो है इसको एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड्स जो हैं वो सेम हैं। तो आपने देखा कि दो मेथड्स थे, लेबॉरेटरी मेथड ऑफ प्रेपरेशन में आप लोगों ने इसको ऑक्सीडेशन की थी इथाइल अल्कोहल की, और ऑक्सीडेशन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिला था यानी कि एसिटिक एसिड ऑब्टेन हुआ था, और सेकंड जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल नाइट्राइल से, और थर्ड जो है हमने मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड इंडस्ट्रियल स्केल के थ्रू जो है हमने स्टडी की, तो वो एसिटाइलीन से हम इसको प्रिपेयर करते हैं यानी कि इथाइन से। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपने बस कंडीशंस अच्छे तरीके से याद रखनी है, ताकि कंडीशंस आपकी अगर गलत हो जाए तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आपने कंडीशंस को अच्छे तरीके से याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स हमने मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन को डिस्कस किया। अब मैं आती हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, के जो आपके पास का जो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसकी क्या जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अब आप देखें कि आप जो घरों में सिरका यूज़ करते हैं उसका जो है वो क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होता है ना, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी
क्या होगी कि आपको दिखने में, फिजिकल कहते हैं कि मतलब जो आपको दिखने में क्या कैसी नज़र आ रही है, ठीक है, फिजिकल उसकी यानी कि जो खसूसियात हैं दिखने में वो कैसी नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसकी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड है। सेकेंड जो है इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 118 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 118 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल आउट हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 118 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा जो है इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग विनेगर ओडोर एंड सोर टेस्ट, ठीक है, विनेगर ओडोर है इसकी, सिरके की तरह की जो स्मेल है, ज़ाहिर बात है सिरका है तो इसी वजह से सिरके की स्मेल ही होगी, ठीक है, एंड सोर टेस्ट, और इसका जो है ना ज़रा सा जो टेस्ट है वो ज़रा सा खट्टा खट्टा सा है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है वो प्योर एसिड जो है दैट फ्रीजिज टू एन आइस लाइक सॉलिड एट 17 डिग्री सेल्सियस। 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो आपका ये एसिटिक एसिड है ये आइस की फॉर्म में आ जाता है, यानी कि आइस की तरह का सॉलिड बन जाता है, ठीक है, 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये आइस लाइक सॉलिड बन जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, ये अक्सर पूछी जाती है आपसे कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है। तो आपने याद रखना है कि वैसे अगर ये लिक्विड फॉर्म में तो हमको इसको क्या कह रहे हैं, एसिटिक एसिड कह रहे हैं, लेकिन सिंपल एसिडिक एसिड कह रहे हैं, लेकिन अगर ये आपका जो एसिडिक एसिड है जब आप इसको 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये फ्रीज होके आपको आइस लाइक सॉलिड दे देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिडिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स ये टर्म जो है आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इट इज़ मिसिबल विद वाटर, अल्कोहल एंड एथर इन ऑल प्रोपोर्शंस। तो ये वाटर में जो है आसानी से हल हो जाता है, मिसिबल है, ठीक है, वाटर में, ठीक है, इसके अलावा अल्कोहल में और इसके अलावा एथर में, सारी प्रोपोर्शंस में, आप जिस प्रोपोर्शन में भी इसको ऐड करें, ज्यादा ऐड करें कम ऐड करें, लेकिन ये क्या है कि इसके अंदर हल हो जाएगा आसानी से। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है इसकी जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया है। तो होप सो कि स्टूडेंट्स यहां तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम इसके बाद जो है इसकी यूजेस जो है एसिटिक एसिड की वो डिस्कस करने जा रही हूं मैं आपसे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब मैं आपसे यूजेस जो है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। तो फर्स्ट आप देखें कि यहाँ पर यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड में आपको फर्स्ट यूज़ नज़र आ रही है कि इट इज़ यूज एज अ कोएगुलेंट फॉर लेटेक्स इन रबर इंडस्ट्री, ठीक है, इसको एज अ कोएगुलेंट यूज़ करते हैं फॉर लेटेक्स। कोएगुलेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को जमाना, यानी कि जैसे आप दही है उसको जमाते हैं, तो हम कहते हैं कि एज अ कोएगुलेंट जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है, दही को जमाने के प्रोसेस को हम कोएगुलेशन कहते हैं ना, तो कोएगुलेंट कहते हैं जमाना। अब क्या होता है, क्या चीज़ जमाना है, फॉर लेटेक्स, लेटेक्स कहते हैं शीरा, शीरा जैसे शीरा हो गया या दरख्त का जैसे हम कहते हैं कि दूध, ठीक है, तो जो शीरा है उसको आपने रबर इंडस्ट्री, जो रबर्स बनती हैं, ठीक है, जैसे आपके गाड़ियों के रबर वगैरह वो बनते हैं, टायर्स बनते हैं, रबर टायर्स हो गए, बच्चों के खिलौनों में रबर के टायर्स वगैरह होते हैं गाड़ियों में इस तरह से। तो स्टूडेंट्स उसमें क्या होता है कि उस जो रबर है उसको, उसके शीरे को जमाने के लिए, यानी कि उसके लिए उसको रबर को प्रिपेयर कर किया जाता है ना, ठीक है, तो उसके लिए जो पहले शीरा बनाया जाता है, ठीक है, उसको फिर जमाने के लिए जो इसको यूज़ किया जाता है, तो हम इसलिए कहते हैं कि जो सबसे पहले यूज़ किया एसिटिक एसिड की, इसको यूज़ किया जाता है एज अ कोएगुलेंट फॉर लेटेक्स इन रबर इंडस्ट्री, ठीक है, मतलब लेटेक्स कहते हैं ना शीरे को, मैंने भी आपको बता दिया, तो उसको जमाने के लिए रबर इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, यानी कि रबर का जो शीरा, यानी कि पहले उसको शीरे में कन्वर्ट किया, शीरे की फॉर्म में होता है, बाद में इसको हार्ड किया जाता है ना, तो इस पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है एसिटिक एसिड को। इसके अलावा जो है इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स जो है उनको प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें आपके पास पॉलीविनाइल एसीटेट जो है प्लास्टिक, उसको प्रिपेयर किया जाता है। इसके अलावा जो है रेयन जो है वो सेलुलोज एसीटेट जिसको हम बोलते हैं, उसकी प्रेपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है सिल्क जो है उसकी प्रेपरेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका नेक्स्ट यूज़ क्या है, थर्ड पे, इट इज़ यूज इन मेडिसिन एज अ लोकल इरिटेंट, मेडिसिन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एज अ लोकल इरिटेंट कहते हैं कि जो थोड़े बहुत जो है इरिटेशन कॉज करे। अब कुछ मेडिसिन में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जो है वो उसकी ज़रा सी स्मेल बीच में ऐड होती है, ताकि वो उसका ये होता है उसका कोई फ़ायदा ही होता है, उसको नुकसान के तौर पर नहीं यूज़ किया जा रहा होता, ठीक है, तो ये इसको मेडिसिन में भी इसका यूज़ है, ठीक। इसके अलावा जो है इट इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट इन द लेबॉरटरी फॉर कैरिंग आउट रिएक्शंस, ठीक है, अब सॉल्वेंट के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं, एज अ सॉल्वेंट इसको यूज़ किया जाता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जब आप इंडस्ट्रीज में करते हैं रिएक्शंस करने के लिए, इनको लेबॉरटरी में एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है एसिटिक एसिड को। इसके अलावा इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पिकल्स, पिकल कहते हैं अचार को, अचार के प्रेपरेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है एसिटिक एसिड को।
अक्सर आप के पेरेंट्स जो हैं वो घरों में मदर जो है वो अचार बनाती हैं, तो उसके अंदर जो है वो एसिटिक एसिड को इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा जो है इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी प्रेपरेशन में जो है इनको बहुत ज़्यादा एसिटिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। लेट सपोज़ के इस एसीटोन की प्रेपरेशन में, इसके अलावा एसीटेट्स की प्रेपरेशन में, एस्टर्स की प्रेपरेशन में जो है हम एसिटिक एसिड को यूज़ करते हैं। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो है मैंने आपसे यूजेज जो हैं एसिटिक एसिड की डिस्कस किए हैं। तो होप्स स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है एसिडिक एसिड वो मैंने आपसे जो डिस्कस किया उसके इंट्रोडक्शन, उसके फॉर्मूला और ईच एंड एवरीथिंग, उसके लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रेपरेशन, इसका इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रेपरेशन, इसके अलावा इसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज और यूजेज जो हैं एसिडिक एसिड की, जो मैंने आज आपसे सारा ये टॉपिक डिस्कस किया। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको किसी भी पॉइंट पे या किसी भी स्टेप पे कहीं भी कंफ्यूजन है तो वो आप स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।